विदेशी कल्चर और नई नई परंपराओं के साथ होने वाली हाई प्रोफाइल शादियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको 3 रशियन जोड़ों की हिंदू रीति रिवाज वाली शादी दिखाने जा रहे हैं। रूस के रहने वाले 3 जोड़ों को भारतीय परंपरा इतनी भा गई कि उन्होंने हरिद्वार के एक आश्रम में हिंदू विधि विधान से शादी रचा ली। देखिए इस खास रिपोर्ट में। देसी बैंड पर बजती देसी धुने और उस पर थिरकती विदेशी युवतियों को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन ये नजारा 3 रूसी जोड़ों की हिंदू रीति रिवाज वाली शादी का है। धर्मनगरी हरिद्वार में अखंड परमधाम आश्रम के आंगन में उस समय नजारा देखकर बेहद ही खास लगा जब यहाँ रूस के नागरिकों की शादी वैदिक तौर तरीके से सम्पन्न हुई। अखंड परमधाम आश्रम के अध्यक्ष और वरिष्ठ संत स्वामी परमानंद गिरी के विदेश में कई अनुयायी हैं। इन विदेशी अनुयायियों का हरिद्वार स्थित आश्रम में भी आना जाना लगा रहता है। कुछ दिनों पहले रूस के 50 नागरिकों का दल आध्यात्मिक यात्रा पर हरिद्वार पहुंचा था। इन सभी ने यहां पर योग और ध्यान पर भारतीय संस्कृति को जाना। भारतीय संस्कृति से रूबरू होकर रूसी दल के 3 जोड़े इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी करने की ठान ली। वरिष्ठ संत स्वामी परमानंद गिरी के मुताबिक भारत की परिवार व्यवस्था से प्रभावित होकर रूसी नागरिक भारतीय ढंग से शादी कर रहे हैं। नहीं है, हमारी ओर से इतना ही है कि हम लोग चाहते हैं कि पति पत्नी रोज न बदलते रहें, भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह करके रहें, तो इनको उससे प्रेरणा मिली है, तो पहले भी किया है, अब और बढ़ गए लोग तो वही चाह रहे हैं। और कौन सा काम कठिन जगमाई जो न होता, जो भी दिल से चाहा जाए सब पूरा होता है, तो ये लोग बड़ी श्रद्धा रख रहे हैं और भारतीय ढंग से शादी कर रहे हैं। यहाँ हर साल ध्यान से दिखने आते हैं, अध्यात्म के प्रवचन सुनते हैं और भारतीय परंपराओं पर प्रेम करते विश्वास आपस में छोड़ते हैं, परिवार बिखरते हैं। वहाँ कोई परिवार है नहीं, हमारे यहाँ परिवार है, जल्दी बिछुड़ता नहीं है, तो वो उनको भी ज़रूरत है इस बात की। और इन्होंने संकल्प लिया है, इनको बताया है कि हमारे यहाँ शादी का मतलब फिर छोड़ना नहीं होता, हम अंतिम सांस तक ही नहीं 7 जन्म तक साथ रहने का संकल्प लेते हैं। और ये सब उन्होंने सोच विचार करके ये संकल्प लिया और उन्होंने शादी करने को स्वीकार किया। और आज ज़रूरत है, हम भारतीय पाश्चात्य कल्चर को अपना करके हम अकेला रहना पसंद करते हैं, हम माँ बाप से दूर जाना पसंद करते हैं। इन्हें दूर रहने का कष्ट पता है, ये दूर रह कर देख चुके हैं, तो दूर रहने का दुख इन्होंने झेला है, तो इन्होंने कहा अब दूर नहीं रहा जाता, अब हमें कोई ऐसी संस्कृत चाहिए जो हमें इकट्ठे रखे, पूरा संयुक्त परिवार रहे। ये संयुक्त परिवार, ये शादियां हम भारतीयों के लिए एक आदर्श है, हम भारतीय युवाओं के लिए एक आदर्श है। हम अपने माँ बाप से दूर चले जाते हैं, ये अब माँ बाप सहित इकट्ठे रहने की कामना करते हैं। हरिद्वार के आश्रम में हुई रूसी नागरिकों की शादी महज औपचारिकता नहीं रही, बल्कि यहाँ सभी रीति रिवाजों का पालन किया गया। पारंपरिक दुल्हो वाली लाल शेरवानी और पगड़ी पहनकर सजे 3 दुल्हों की बारात निकाली गई, जिसमें उनके साथियों ने भारतीय धुनों पर डांस भी किया। रूसी दुल्हों की बारात में रूसी नागरिकों का उत्साह देखते ही बनता था। इसके बाद दुल्हा और दुल्हन ने भगवान के मंदिर में आशीर्वाद लिया, स्टेज पर चढ़कर एक दूसरे को वरमाला पहनाई। इतना ही नहीं, रूसी जोड़ों ने वैदिक मंत्रों के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे भी लिए और जीवन भर एक दूसरे के साथ निभाने का वचन भी दिया। विकसित देशों में लोगों के पास संसाधनों की तो कमी नहीं है, लेकिन परिवार का ना होना वहाँ के नागरिकों को खलता है, इसलिए वो पश्चिम तौर तरीकों से ऊबकर भारतीय संस्कृति और यहाँ की संयुक्त परिवार की व्यवस्था से प्रभावित हो रहे हैं और उसे अपना भी रहे हैं। ये सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है।